मैं सौरभ कुमार द टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के जो ऑब्जेक्टिव है उसको डील करेंगे। ये टोटल 4 सेट में रहेगा, प्रत्येक सेट में 50-50 क्वेश्चन रहेगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलिए आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि ए स्क्वायर पिरामिड इज प्लेस्ड ऑन एचपी इन सच ए वे दैट इट्स एक्सिस वर्टिकल देन एलिवेशन विल बी डॉट सी। कह रहा है कि एक स्क्वायर पिरामिड है वो इस प्रकार से रखा गया है एचपी में कि उसका एक्सिस वर्टिकल। तो हम लोग जानते हैं पिरामिड के केस में ऑलवेज क्या होता है, फेस ट्रायंगुलर शेप का होता है। तो चलिए वर्टिकली रखा गया है तो फेस क्या होगा, ये एलिवेशन में फेस दिखेगा, ठीक है। और टॉप व्यू में जिसको कि हम लोग प्लान कहते हैं, टॉप व्यू या प्लान लगाया जाएगा तो क्या दिखेगा, बेस दिखेगा। तो यहाँ पे कह रहा है एलिवेशन विल बी, और यहाँ पे स्क्वायर पिरामिड को वर्टिकली रखा गया है तो फेस में क्या दिखेगा, क्या दिखेगा, ट्रायंगुलर शेप दिखेगा। कोई दिक्कत किसी को? चलिए तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्कुल ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन फिर देखते हैं। ये ट्रायंगुलर कैसे हुआ किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग कह रहा है कि हेक्सागोनल प्रिज्म हैज डॉट एजेज। तो हम आपको दो दो फॉर्मूला लिखाए थे, एक प्रिज्म के केस में, एक पिरामिड के केस में। प्रिज्म के केस में क्या लिखाए थे, 3 गुना नंबर ऑफ एज, ठीक है, 3 गुना नंबर ऑफ एज इन बेस, ये प्रिज्म के केस में लिखाए थे। दूसरा पिरामिड के केस में, पिरामिड के केस में क्या लिखाए थे, 2 गुना नंबर ऑफ एज इन बेस, ये दो फॉर्मूला लिखाए थे, ठीक है। तो याद रखिएगा इसमें प्रिज्म में 3 से क्यों गुना होता है, पिरामिड में 2 से गुना क्यों होता है, क्योंकि देखिए कोई भी प्रिज्म है, प्रिज्म के पास 3 पोर्शन होता है, कैसे, एक लोअर बेस, एक अपर बेस और एक लेटरल सरफेस। तो इसीलिए यहाँ पे 3 से गुना होता है एज के केस में। लेकिन ये पिरामिड में बात किया जाए तो पिरामिड के पास 2 पोर्शन होता है, एक क्या बेस, क्योंकि एक कोई भी पिरामिड है वो ओनली 1 बेस कंटेन करता है, और दूसरा उसका लेटरल सरफेस, इसीलिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होता है। तो ध्यान रखिएगा प्रिज्म का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो देख लीजिएगा नाम क्या है, तो उसके बेस में जो जितना एज होगा उसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको टोटल नंबर ऑफ एज दे देगा। और हम लोग जानते हैं प्रिज्म हो या पिरामिड हो, ठीक है, नाम के अकॉर्डिंग उसका बेस होता है। जैसे हेक्सागोनल प्रिज्म तो बेस में क्या, हेक्सागन। पेंटागोनल पिरामिड तो बेस में क्या, पेंटागन। अब बाद बाकी लास्ट वाला जो प्रिज्म पिरामिड ये तय करता है फेस, प्रिज्म है तो क्या, रेक्टेंगुलर फेस, पिरामिड है तो ट्रायंगुलर फेस। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहले कह रहा है कि हेक्सागोनल प्रिज्म हैज डॉट एज, तो हेक्सागोनल प्रिज्म है, यहाँ पे देख लेते हैं इसको भी, हेक्सागोनल प्रिज्म, हेक्सागोनल प्रिज्म, तो ये किसको बताएगा, बेस को। नाम किसको, नाम का पहला किसको बताता है, बेस को, ये किसको, फेस को। तो देखिए बेस में क्या होगा, हेक्सागन, हेक्सागन में कितना भुजा, 6 भुजा, नंबर ऑफ एज कितना, 6, तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी नंबर सही हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को। चलिए आगे हम लोग चलते हैं 3 नंबर, ठीक है, इसको मिटा लेते हैं। तीन नंबर कह रहा है कि ए रेगुलर क्यूब हैज डॉट स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा कि कोई भी रेगुलर क्यूब जो है उसके पास कितना स्क्वायर होता है। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी क्यूब है उसके पास टोटल 6 स्क्वायर फेसेस होता है, कैसे, तो 4 तो एक साइड में हो गया, ये अपर बेस हो गया यूपी, ये एल यूबी सॉरी ये एल बी लोअर बेस, ये अपर बेस, और 4 तो ये साइड हो, तो कितना हो गया, 4 और 5 और 6, टोटल जो स्क्वायर फेसेस होता है कितना होता है, 6 स्क्वायर फेसेस होता है। तो कौन सा इसका ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल 3 नंबर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग 4 नंबर अब देखेंगे। तो याद रखिएगा यहाँ पे 2 कहाँ होता है,
दो बेस में, चार कहां फेस में, क्योंकि अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। तो वहां पे पूछ रहा है आपको बेस में कितना स्क्वायर होता है, फेस में कितना स्क्वायर होता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला को भी, चार नंबर क्वेश्चन। चलिए चार नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए रेगुलर क्यूब है डॉट स्क्वायर फेस इन बेस एंड डॉट इन फेस। तो अभी हम लोग क्लियर किए बेस में दो होता है, फेस में चार होता है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, दो चार, देख लीजिए कौन सा है, बी नंबर है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, बी नंबर हो जाएगा, क्लियर है। चलिए हम लोग पांच नंबर देखते हैं। चलिए पांच नंबर का है टोटल नंबर ऑफ पेज इंक्रीज। तो देखिए अभी हम लोग फार्मूला लिखे थे, डायरेक्ट फार्मूला वाला है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रिज्म जैसे आ जाए टोटल नंबर के केस में, प्रिज्म वर्ड जैसे दिख जाए, थ्री गुना नंबर ऑफ पेज इन बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थ्री गुना नंबर ऑफ पेज इन बेस हो जाएगा। इसका भी कौन सा हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब आगे हम लोग सिक्स नंबर देखते हैं। सिक्स नंबर क्या रहा है कि टोटल नंबर ऑफ पेज इन पिरामिड। तो पिरामिड में दो पोर्शन, तो इसीलिए कितना, दो से मल्टीप्लाई होता है, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो दो गुना नंबर ऑफ पेज इन बेस, तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, दो गुना नंबर ऑफ पेज इन बेस, बिल्कुल बी नंबर सही है, कोई दिक्कत। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला। चलिए अगला है आपके पास कि आइसोमेट्रिक व्यू इज ड्रॉन बाय द हेल्प ऑफ। तो हम जिस समय आइसोमेट्रिक पढ़ाए थे वहां बताए थे कि आइसोमेट्रिक कभी कभी आपको कन्वर्ट करने देगा प्रोजेक्शन में, कभी कभी व्यू। तो जब भी आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन वर्ड दिखे तो तुरंत दिमाग हिट करना चाहिए कि आइसोमेट्रिक स्केल का यूज होगा, ठीक है। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और व्यू दोनों बिल्कुल सेम चीज होता है, डिफरेंस होता है तो सिर्फ स्केल का, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि जब भी आइसोमेट्रिक व्यू वर्ड दिखे क्वेश्चन में तो ट्रू स्केल से हम लोग आंसर करते हैं, बट जब आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन दिखे क्वेश्चन में तो हम लोग अलग से एक आइसो स्केल बनाते हैं, बनाने के लिए भी बताया था, उसके बाद क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि आइसोमेट्रिक व्यू इज ड्रॉन बाय द हेल्प ऑफ, तो व्यू जैसे वर्ड आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रू स्केल मानेंगे, क्योंकि आइसोमेट्रिक व्यू को हम लोग ट्रू स्केल से बनाते हैं और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को हम लोग आइसोमेट्रिक स्केल से बनाते हैं। तो चलिए सात का कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल बी नंबर हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए आगे चलते हैं हम लोग आठ नंबर पे। चलिए आठ नंबर आपके सामने कह रहा है कि देखिए आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन इज ड्रॉन बाय द हेल्प ऑफ। तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जैसे दिख जाए तो तुरंत क्या करना चाहिए हम लोग को, तुरंत हम लोग आइसोमेट्रिक स्केल देखेंगे, या कभी कभी यहाँ पे आइसो स्केल भी लिखा रहा होता है, याद रखिएगा आइसो स्केल लिखा रहेगा या आइसोमेट्रिक लिखा रहेगा, ठीक है। तो दिमाग को कॉन्स्टेंट रखना है, कन्फ्यूज नहीं करना है, आइसोमेट्रिक रहे या आइसो रहे, ठीक है, दोनों सही है। तो देख लेते हैं यहाँ पर ऑप्शन में क्या है, आइसोमेट्रिक है, आइसोमेट्रिक स्केल लगाए तो बी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं नौ नंबर। नौ नंबर कह रहा है कि रेशियो ऑफ आइसोमेट्रिक लेंथ टू द ट्रू लेंथ इज। तो जिस समय हम आइसोमेट्रिक पढ़ा रहे थे इसको प्रूव किए थे और निकाले भी थे, तो हम लोग को रिजल्ट जो मिला था क्या मिला था, रूट टू बाई रूट थ्री। जब इसका परिमेयकरण करते थे क्या होता था, यही 9/11 के बराबर आता था, जब डिवाइड करते थे तो 0.815 आता था। तो 0.815 को 815/1000 लिख सकते हैं। चलिए तो यहाँ पे इस फॉर्म में दिया हुआ है, कभी कभी आपको 0.815 भी रहता है, यानी इस तीनों में से एक दे देगा, ठीक है, और उसके बाद तीन को रॉन्ग आंसर दे देगा। तो देख लीजिएगा कैसा ऑप्शन रहता है, तो हम यहाँ पे तीनों सही दिए हुए हैं, तो तीनों सही है, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव हो जाएगा, इसका डी नंबर हो जाएगा, कोई दिक्कत, ऑल ऑफ एबव हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों बिल्कुल सही है। क्योंकि जब हम लोग इसको वहाँ पे हम लोग जब इसका डेरिवेशन देखे थे तो वहाँ पे हम लोग को मिला था रूट टू बाई रूट थ्री, ठीक है, रूट टू बाई रूट थ्री का जब परिमेयकरण किया गया था यही 9/11 के बराबर आता है, और जब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये 0.815 के बराबर, या कह सकते हैं कि 0.815 को ये लिख सकते हैं हम लोग 815/1000। तो देख लीजिए तीनों ऑप्शन सही है, इसका बिल्कुल डी नंबर हो जाएगा। और यही देखिएगा यहाँ पर ये पूछने का तरीका देख लीजिए, रेशियो ऑफ आइसोमेट्रिक लेंथ टू द ट्रू लेंथ दिया है, कभी कभी वहां पर रहेगा रेशियो ऑफ ट्रू लेंथ टू द आइसोमेट्रिक लेंथ, तो इसका उल्टा हो जाएगा, जस्ट इसके नीचे वही क्वेश्चन आ रहा है,
ठीक है, तो उसका उल्टा हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए आइसोमेट्रिक लेंथ टू द ट्रू लेंथ दिया हुआ है, और दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ट्रू लेंथ टू द आइसोमेट्रिक लेंथ, तो दोनों को पकड़ना है आपको, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा आपको। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं फिर 10 नंबर। चलिए 10 नंबर कह रहा है कि रेशियो ऑफ ट्रू लेंथ टू द आइसोमेट्रिक लेंथ, तो यहाँ पे देखिए ट्रू लेंथ टू द आइसोमेट्रिक लेंथ है, टू द ट्रू लेंथ, यहाँ देख लीजिए फिर से रेशियो ऑफ ट्रू लेंथ टू द आइसोमेट्रिक लेंथ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उलट जाएगा सिर्फ, तो रूट थ्री बाई रूट टू हो जाएगा, 11/9 हो जाएगा, और 0.85 के बदले 1/815 हो जाएगा, कोई दिक्कत, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ऑन ऑफ ये वन हो जाएगा, कोई डाउट। चलिए अगला हम लोग तब देखते हैं, लिखाई भी थे वहां नोट भी कराए थे, तो ध्यान रखिएगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, तो ऑलवेज जो होता है आइसो लेंथ लेस देन होता है ट्रू लेंथ के, तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, लेस ग्रेटर देन है ए नंबर में, बी नंबर में, लेस देन, तो बी नंबर हो जाएगा लेस देन, कोई दिक्कत। चलिए अब 12 नंबर देखते हैं, डायमेंशन ऑफ द टाइटल ब्लॉक, तो हम लोग जानते हैं कि टाइटल ब्लॉक क्या होता है, हम लोग पढ़े थे शीट लेआउट में, जब शीट लेआउट बताए थे कि बॉर्डर लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं वगैरह वगैरह, उसके बाद ये भी बताए थे आपको कि कॉलेज में जब आपको शीट जमा करना होता है तो यहाँ पे आपको अपना इंट्रोडक्शन लिखना होता है, ठीक है, तो ये जब इंट्रोडक्शन लिखते हैं राइट साइड बॉटम पे कॉर्नर पे, तो एक ब्लॉक बनाते हैं, रेक्टेंगुलर ब्लॉक बनाते हैं, इसी को हम लोग टाइटल ब्लॉक कहते हैं, ठीक है, इसमें अपना कॉलेज का नाम, नाम अपना सेशन रोल नंबर वगैरह वगैरह दिया जाता है इसमें, ठीक है, तो ये टाइटल जो ब्लॉक है इसका डाटा पूछ रहा है कितना होगा, तो ध्यान रखिएगा 185×500 mm होता है, मतलब इसका लंबाई कितना हुआ 185 mm, चौड़ाई कितना 65 mm लेते हैं, मतलब ये एल ये बी, तो एल कितना लेंगे 185 और बी कितना लेंगे 65 mm में, ऑलवेज हम लोग इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और ड्रॉइंग जो भी डाटा यूज करते हैं वो एम एम में करते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि टाइटल ब्लॉक पे डाटा कितना होता है 185×65 mm होता है, तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, बिल्कुल ए नंबर सही है, कोई डाउट। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन 13 नंबर देखते हैं क्या है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको, चलिए 13 नंबर कह रहा है कि द रेशियो ऑफ एरोहेड इन लेंथ इज टू ब्रेक, देखिए यहाँ पे लड़का कंफ्यूज कर जाता है, गलत मार के आता है, तो ऑप्शन देख लीजिएगा, एल इज टू बी कहा तो क्या मारना है, और बी इज टू एल कहा तो क्या मारना है, तो देखिए ये एरो बनाने का रूल होता है, ठीक ना, हम बताए थे आपको कि एरो हम लोग अपने मन से ड्रॉइंग में नहीं बनाते, इसका रूल होता है कि यदि आप चौड़ाई अगर 1 mm लेते हैं तो आपको लंबाई 3 mm लेना पड़ता है, उसके बाद इसको मिला के हम लोग यहाँ पे करते हैं, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को कि ऑलवेज याद रखिएगा, ये लंब चौड़ाई अगर यदि 1 mm लेते हैं ये लंबाई आपको कितना लेना पड़ेगा 3 mm, अंदाज से लेते हैं, ये एक स्केल से मेजर करते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा कि चौड़ाई कितना 1 mm, तो लंबाई कितना 3 mm, ठीक है, हमेशा 1:3, यदि मान लीजिए आप चौड़ाई 2 mm लेते हैं तो लंबाई आपको 6 mm लेना पड़ेगा, लेकिन जब भी रेशियो होगा इस दोनों का 1:3 होगा, ठीक है, तो यहाँ पूछने का तरीका देख लीजिएगा, 1:3 या 3:1 नहीं, अपने मन से नहीं कह रहा है, देख लेना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बी इज टू एल पूछेगा तो क्या बोलेंगे, देखिए आप बी इज टू एल पूछेगा क्या बोलेंगे 1:3, एल इज टू बी पूछेगा 3:1, कोई दिक्कत, दोनों क्वेश्चन एक साथ होगा, देख लीजिए 13-14, तो 13 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ एरोहेड इन लेंथ इज टू ब्रेथ, लेकिन इसका बी नंबर देखिए क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ एरोहेड इन ब्रेथ इज टू लेंथ, तो ध्यान रखिएगा ब्रेथ इन इज टू लेंथ कहेगा तो 13-14 क्लियर होता है। चलिए अब हम लोग अगला 15 नंबर देखते हैं,
देखिए अगला कह रहा है कि थिकनेस ऑफ ड्रॉइंग बोर्ड, ड्रॉइंग बोर्ड का थिकनेस क्या होता है। देखिए ड्रॉइंग बोर्ड के थिकनेस के बारे में पूछ रहे हैं। देखिए ये वैरी करता है ये डाटा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में कभी कभी 25 से 30 एमएम भी दिया रहता है, 25 to 30 एमएम, और कभी कभी ये 20 से 30 एमएम भी रहता है, तो दोनों में कोई एक ही रहेगा। तो ध्यान रखिएगा यदि 20 से 30 एमएम कहेगा तो 20 से 30 एमएम वाला आंसर देंगे, अगर यदि 25 से 30 रहेगा तो 25 से 30 वाला हो जाएगा। क्योंकि जब हम पढ़ा रहे थे थ्योरी वहाँ पे आपको ये वाला लिखाई देता था कि 25 से 30 एमएम होता है, लेकिन देखिए यहाँ पे कहीं भी 25 से 30 एमएम नहीं है, यहाँ पे 20 से 30 एमएम करेंगे तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, 20 से 30 एमएम। कोई दिक्कत तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर कीजिएगा। 25 से 30 रहेगा 25 से 30 दीजिएगा, अगर यदि 20 से 30 रहेगा तो 20 से 30 एमएम को टिक कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग 16 नंबर देखते हैं। चलिए 16 नंबर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन प्रोजेक्शन लाइन एंड डायमेंशन लाइन है। तो कह रहा है कि प्रोजेक्शन लाइन और डायमेंशन लाइन के बीच मिनिमम डिस्टेंस क्या होना चाहिए। तब देख लीजिए हम बताए थे बेसिक में, फिर भी यहाँ देख लीजिए कि ये किसी भी, मान लीजिए ये रेक्टेंगल है, तो यहाँ पे जो हम लोग इसको प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है, और इसको जब डायमेंशनिंग करेंगे तो इसके बीच का यही डिस्टेंस पूछ रहा है कि मिनिमम क्या रखना है। तो हम बताए थे कि मिनिमम डिस्टेंस 8 एमएम रखना है। मिनिमम कितना रखना है? 8 एमएम डिस्टेंस को रखना है, किसके किसके बीच? डायमेंशन लाइन और किसी भी ऑब्जेक्ट के आउटर लाइन के बीच मिनिमम डिस्टेंस 8 एमएम रखना है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, इसका भी एक नंबर हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए हम लोग 17 नंबर देखते हैं फिर। कह रहा है देखिए एज पर जीआईएस लार्जेस्ट साइज ऑफ ड्रॉइंग। देखिए जीआईएस पहले इसको समझिए, देखिए जितने भी मेजरमेंट का निर्धारण होता है ये सब जीआईएस द्वारा होता है, जो भी डाटा मिलता है सारा जीआईएस द्वारा। तो जीआईएस क्या होता है? ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड, ठीक है, एक इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन है, यही तय करती है कि मेजरमेंट में किसी का साइज हो गया, लेंथ हो गया, वेट हो गया, ठीक है, हम लोग अपने मन से कंसिडर नहीं कर सकते उसको, ठीक है, इसीलिए एच पर जीआईएस लिखता है। तो कह रहा है कि एच पर जीआईएस लार्जेस्ट साइज ऑफ ड्रॉइंग बोर्ड, ठीक है, कि BIS के अनुसार कि ड्राइंग बोर्ड का लार्जेस्ट साइज क्या होता है। तो देखिए पहले ड्राइंग बोर्ड का डेजिग्नेशन लेटर देखिए, ठीक है, तो पहले आप समझ लीजिए, ठीक है, कि डेजिग्नेशन लेटर क्या होता है। तो देखिए ड्राइंग बोर्ड का डेजिग्नेशन लेटर D या B होता है, ठीक है, इसी से हम लोग इसको आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। डेजिग्नेशन लेटर मतलब इंट्रोडक्शन, कि मार्केट जाइएगा तो आप जो खरीदिएगा तो उसका क्या स्पेसिफिकेशन होगा, छोटा भी मिलता है बड़ा भी मिलता है मार्केट में, तो हम लोग इसका जो डेजिग्नेशन करते हैं वो डी और बी से करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये मार्केट में टोटल 4 प्रकार का ड्रॉइंग बोर्ड अवेलेबल होता है, ठीक है, तो डी नोट, ठीक है, D1, D2, D3, D4, या इसी को डी नोट, D1 या D2 या D3 या D4, ये मार्केट में फोर तक नहीं जाना है, 3 तक ही जाना है, क्योंकि टोटल 4 प्रकार के ही बोर्ड अवेलेबल होता है मार्केट में। तो देख लीजिए नोट से शुरू किए तो 3 तक में 4 हो गया। तो मार्केट में ये इसका डेजिग्नेशन होता है कि डी नोट कीजिएगा तो इसका स्पेशल साइज होगा, D1 अलग साइज का होगा, D2, तो जो जो नीचे आएगा त्यों इसका क्या होगा, साइज घटते जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो डी नोट या बी नोट होता है, तो देखिए कभी कभी डी नोट से भी इसका कहीं कहीं डिजिग्नेशन होता है, कहीं कहीं बी नोट से भी होता है, दोनों में एक ही दिया रहेगा या दोनों भी दे सकता है, ऑप्शन में जैसा दिया रहे। तो लार्जेस्ट साइज क्या हो जाएगा? डी नोट हो जाएगा। स्मॉलेस्ट साइज क्या हो जाएगा? D3 हो जाएगा। याद रखिएगा इसका लार्जेस्ट का डाटा भी बता देते हैं, 1500 × 1000 होता है, 1500 × 1000 होता है। सबसे बड़ा साइज कौन होता है? डी नोट या बी नोट। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ये नंबर हो जाएगा इसे, कोई दिक्कत। चलिए आगे कह रहे हैं कि एज पर बीआईएस लार्जेस्ट साइज ऑफ ड्रॉइंग शीट। अब देखिए ड्रॉइंग शीट में, ड्रॉइंग शीट का लार्जेस्ट साइज पूछ रहा है। तो देखिए ड्रॉइंग शीट का पहले डेजिग्नेशन लेटर देखते हैं, तो इसका भी डेजिग्नेशन लेटर ए ही होता है, ठीक है, इसका डेजिग्नेशन लेटर क्या होता है? ए होता है। और ये मार्केट में टोटल 6 प्रकार का अवेलेबल होता है, ए नॉट, ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर, ए फाइव।
तो देखिए टोटल कितना हो गया, छह प्रकार का सीट अवेलेबल होता है मार्केट में। तो जो सबसे बड़ा साइज होता है A0, सबसे छोटा A5 इंजीनियर जो ड्रॉइंग करता है A1 में करता है, ध्यान रखिएगा इन सब बातों को। तो ठीक है, यहाँ पे कह रहा है एज पर BIS लार्जेस्ट साइज ऑफ ड्रॉइंग सीट, तो लार्जेस्ट साइज क्या हो जाएगा A1। चलिए आगे हम लोग चलते हैं 19 नंबर। तो देखिए स्मॉलेस्ट अभी देखे थे B3 या D3, तो ऑप्शन में जैसा रहेगा यहाँ पे D3 है तो B3 मारेंगे, D3 रहेगा, D3 या दोनों रह सकता है। चलिए कोई दिक्कत, अब चलते हम लोग 20 नंबर। चलिए 20 नंबर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एज पर BIS स्मॉलेस्ट साइज ऑफ ड्रॉइंग सीट। अभी तुरंत देखिए हम लोग ड्रॉइंग सीट में स्मॉलेस्ट साइज क्या होता है, A5 होता है, तो हम लोग का आंसर कौन सा हो जाएगा, A नंबर हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए अब 21 नंबर देखते हैं हम लोग। चलिए 21 नंबर कह रहा है द अनट्रिम्ड साइज ऑफ ड्रॉइंग सीट डायमेंशन ऑफ पेपर A0D। देखिए अनट्रिम्ड और ट्रिम्ड इसको समझिए, आप जिस समय पढ़ाए थे इसका थ्योरी लेक्चर वहां पे बताए थे आपको कि हम लोग जो ये मार्केट में अवेलेबल होता है A0 से लेकर A5 तक, ये दो साइज में यहाँ पे हम लिखाए थे आपको, एक अनट्रिम्ड और एक लिखाए थे यहाँ पे ट्रिम्ड। तो ये अंतिम ट्रिम्ड क्या होता है वहाँ पे हम लोग ग्रिप में डील किए थे, फिर आगे हम लोग जिसको सीखना रहे वो बेसिक लेक्चर में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे इसको ग्रिप में हम बताए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं अंतिम ट्रिम्ड। तो अंतिम ट्रिम्ड थोड़ा शॉर्ट व्यू ले लेते हैं इसका, यहाँ पे कुछ कुछ जान लेना चाहिए। चलिए अंतिम ट्रिम्ड मतलब जो मार्केट का साइज होता है, ये मार्केट साइज होता है। अंतिम ट्रिम्ड क्या होता है, मार्केट होता है, मार्केट साइज जो मार्केट में अवेलेबल होता है ना जिस साइज में, उसी को कहते हैं अंतिम साइज। ठीक है, और ये ट्रिम हम लोग खुद से करते हैं, एक्यूरेसी वगैरह को मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रिम करते हैं। तो कैसे करते हैं, तो लेंथ का डिफरेंस बाय 2 निकालते हैं, ब्रेथ का डिफरेंस बाय 2 निकालते हैं। तो लेंथ L मतलब अनट्रिम्ड माइनस लेंथ ट्रिम्ड में बटे 2। ठीक है, उसी प्रकार ब्रेथ अनट्रिम्ड में माइनस ब्रेथ ट्रिम्ड में, ठीक है, बटे 2। और हम क्या करते हैं, कोई भी साइज का सीट को हम लोग अनट्रिम्ड से ट्रिम्ड कर सकते हैं। देखिए आप अनट्रिम्ड से ट्रिम्ड कैसे करेंगे, तो कोई भी जिसका भी साइज रहेंगे उसी के साइज को हम लोग क्या करेंगे, साइज का डिफरेंस निकाल लेंगे। अब लेंथ बाय 2, अगर जितना भी आएगा लेंथ का डिफरेंस बाय 2, तो यहाँ पे हम लोग लेंथ, देखिए लेंथ शॉर्ट कब होगा, जब ऐसे हम लोग कंप्रेस करेंगे, तो यहाँ से लेंथ डिफरेंस बाय 2 इधर मार्क करेंगे, लेंथ का डिफरेंस बाय 2 एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब देखिए चौड़ाई कब छोटा होगा, देखिए चौड़ाई कब मेंटेन होगा जब इसको ऐसे कंप्रेस करें, तो यहाँ से ब्रेथ का डिफरेंस बाय 2, ब्रेथ का डिफरेंस बाय 2 यहाँ से लाइन मार्क कर। तो ये जो साइज मिला, ये जो सीट पे साइज मिला, इसी को क्या कहते हैं ट्रिम साइज, ये क्या होता है ट्रिम साइज। जिनको ज्यादा ग्रिप में सीख रहे हैं वो वहां देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा था उसको देख लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है देख लेते हैं। चलिए क्या है कि अनट्रिम्ड साइज ऑफ ड्रॉइंग सीट, ठीक है, अनट्रिम्ड साइज पूछ रहा है ड्रॉइंग सीट का, और किसका, उसमें भी A0 का। तो याद रखिएगा वहां पे हम लोग लिखाए थे ब्लॉक में, ठीक है, 880x1230 नंबर का अनट्रिम्ड का, ठीक है, अनट्रिम्ड में A0 का, ठीक है, कितना 880x1230। चलिए ध्यान रखिएगा, ये डाटा याद रखिएगा जो ब्लॉक में लिखाएंगे। आगे चलते हैं हम लोग 22 नंबर। देखिए 22 नंबर कह रहा है आपको कि द डायमेंशन ऑफ ड्रॉइंग सीट A1 इन अनट्रिम्ड, A1 का अनट्रिम्ड में पूछ रहा है, ये भी याद रखिएगा 625x880 होता है, अनट्रिम्ड ही पूछेगा आपको, क्योंकि बुक वगैरह में अनट्रिम्ड ही दिया रहता है और अनट्रिम्ड मार्केट साइज होता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अनट्रिम्ड ही पूछेगा, ट्रिम्ड हम लोग को करना होता है, इसलिए वो हम लोग याद रखते हैं। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं 23 नंबर। कह रहा है 23 नंबर ऑल फेसेस ऑफ टेट्राहेड्रॉन। देखिए जिस समय हम लोग सॉलिड के बारे में पढ़े थे कि सॉलिड दो प्रकार का होता है, पॉलीहेड्रल सॉलिड और सॉलिड ऑफ एक्सिस ऑफ प्रेवेलेंस, तो ये टेट्राहेड्रॉन जो है पॉलीहेड्रल सॉलिड का एग्जांपल होता है, देखे थे हम लोग कुछ इस प्रकार का होता है, फिर आज देख लेते हैं थोड़ा सा।
देखिए पॉलीहेड्रा सॉलिड जो होता है यह एक टाइप का ट्रायंगुलर पिरामिड ही होता है। अब कहिएगा ट्रायंगुलर पिरामिड होता है जिसका नाम क्या है पॉलीहेड्रा रखा, तो उससे ये थोड़ा डिफरेंट होता है। तो देखिए डिफरेंट क्या होता है कि इसका जो ट्रायंगुलर शेप होता है सारा इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, जितने भी ट्रायंगुलर फेस होते हैं सारे क्या होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, इसलिए इसका स्पेशल नाम होता है क्या टेट्राहेड्रल। तो देखिए इसका डेफिनेशन ही लिखा है वहां कि दोज पॉलीहेड्रा सॉलिड विच कंटेन फोर इक्विलेटरल ट्रायंगल वन इन बेस एंड थ्री इन बेस, कि वैसा पॉलीहेड्रा सॉलिड जो कि चार इक्विलेटरल ट्रायंगल को कंटेन करता है एक बेस में तीन फेस में। तो देख लेते हैं यहाँ पे काउंट करके कैसे चार इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो एक तो ये हो गया देखिए, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा इधर बेस वाला, ठीक है। तो चलिए कितना इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, फोर इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, ध्यान रखिएगा इसे, ठीक है, फोर इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। तो देख लीजिए कह रहा है कि ऑल फेसेस ऑफ टेट्राहेड्रल इक्विलेटरल ट्रायंगल, नंबर नहीं पूछा, नंबर पूछा फोर वाला ठीक करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट पूछा है कि कैसा फेस कंटेन करता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। चलिए अगला देखते हैं हम लोग 24 नंबर, चलिए 24 नंबर क्या आ रहा है, करंट वेयर ए सेमी सर्कल इज रोटेटेड अबाउट इट्स डायमीटर देन सॉलिड विल बी, कह रहा है कि जब सेमी सर्कल में डायमीटर के अबाउट घुमाया जाता है तो क्या शेप देता है। तो हम लोग पढ़े थे सडन एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन का एग्जांपल है, सडन एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन में हम लोग तीन चीज पढ़े थे, स्फीयर पढ़े थे, कोन पढ़े थे, सिलेंडर पढ़े थे, ये कैसे बनता है ये भी नोट देके लिखाए थे, वो तीनों बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। देखिए यहाँ पे तीनों एक साथ मिलेगा तो देख लेते हैं क्या है कि वेयर ए सेमी सर्कल इज रोटेटेड, तो ध्यान रखिएगा जब भी सेमी सर्कल में डायमीटर के अबाउट इसको रोटेट कराया जाता है तो क्या बन जाता है स्फीयर बन जाता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, जब सेमी सर्कल को डायमीटर के अबाउट घुमाएंगे तो क्या बनेगा स्फीयर बनेगा, क्या बनेगा स्फीयर बनेगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन इसका सही है, सी स्फीयर बनेगा, कोई दिक्कत। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 25 नंबर, जो नाश्ता का दुकानदार होता था जो नाश्ता बनाता था वो पेज को तीन कोना टाइप में काट के रखता था और एक को पकड़ता था और उसको घुमा देता था, तो देखते थे कि कौन टाइप का कोनिकल शेप टाइप का क्या बनता था, फॉर्मेशन हो जाता था दोनों, उसी में नाश्ता भर के दिया करता था वो। तो पहले ऐसे देखते थे, अब तो पेज का कोई स्कार्सिटी है नहीं, तो जैसे तैसे मोड़ के भी दे देता है, लेकिन हम पहले की बात कर रहे हैं तो उस समय देखते रहेगा तीन कोना टाइप में काट के रखता, ये तो यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर इसको कि जब एक राइट एंगल ट्रायंगल को अपने साइड पे घुमाया जाता है क्या बनता है कोण का फॉर्मेशन होता है, कोई दिक्कत। चलिए आगे चलते हैं, अगला है आपका 26 नंबर, देखिए क्या कह रहा है 26 नंबर, व्हेन ए रेक्टेंगल इज रोटेटेड अबाउट इट्स साइड, अब ये कह रहा है कि रेक्टेंगल को उसके साइड के अबाउट घुमाया जाता है, चाहे इस साइड के अबाउट घुमाइए चाहे इस साइड के अबाउट घुमाइए, किसी भी साइड के अबाउट घुमाइएगा रेक्टेंगल में तो ऑलवेज क्या बनेगा सिलेंडर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, नहीं तो आप लोग ए फोर साइज या जो आपके पास पेज है, ठीक है, एक पेज को आप एक एक्सिस को फिक्स रखिएगा दूसरे को अपने एक्सिस पे घुमा दिएगा तो देखिएगा सिलेंड्रिकल शेप बनता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी रेक्टेंगल को अपने एक्सिस पे घुमाएंगे क्या बनेगा सिलेंडर बनेगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग 27 नंबर, चलिए 27 नंबर कह रहा है, 27 नंबर कह रहा है कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ ए सर्कल इज है, देखिए जिस समय हम लोग आइसोमेट्रिक यूनिट पढ़ रहे थे उस समय देखे थे चाहे हम लोग आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ड्रॉ कर रहे थे, ठीक है, सर्कल का या आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ कर रहे थे, दोनों के केस में क्या बनता था इलिप्स बनता था, देखे थे हम लोग। तो ध्यान भी रखना जब ये पूछता है बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है
कि एसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और एसोमेट्रिक व्यू ऑफ ए सर्कल इज एन एलिप्स, तो ध्यान रखना है, क्योंकि ये तो क्वेश्चन हम लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर ले, ऐसे भी याद होगा हम लोग, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग 28 नंबर क्या कह रहे हैं। देखिए 28 नंबर कह रहा है ट्रेसेस ऑफ प्लेन विल बी, तो ये ध्यान रखिएगा, ये दो को बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ट्रेसेस ऑफ प्लेन, ट्रेसेस ऑफ लाइन, तो याद रखिएगा ट्रेसेस ऑफ प्लेन या ट्रेसेस ऑफ लाइन जब भी पूछेगा तो पहले देखिए ट्रेसेस के, ट्रेसेस अगर वर्ड दिखेगा तो क्या सेंस लेना है, तो देखिए जिस भी प्लेन को लीजिएगा, चाहे एच बी लीजिएगा चाहे वी पी लीजिएगा, एच पी लीजिएगा तो उसके परपेंडिकुलर रखना है, उस पर परपेंडिकुलर रखना है, ठीक है, और दूसरे के पैरेलल रखना है, पैरेलल नहीं भी रखिएगा चलेगा, ठीक है। तो जिसके भी अगर ट्रेसेस की बात किया जाए, जिस भी पार्टिकुलर प्लेन पे आप लीजिएगा, ठीक है, प्लेन को, तो उस पर परपेंडिकुलर रख लीजिएगा। अब देखिए जिसको लिए हैं उस पर जो व्यू मिलता है वही लगाना है। जैसे देखिए इसको फिर से समझिए, मान लीजिए लाइन, लाइन का ट्रेसेस देखना है, तो अब हम लोग लाइन को, लाइन का ट्रेसेस देखना है, एचपी पे ट्रेसेस देखना है, तो एचपी पे परपेंडिकुलर रखेंगे और एचपी पे क्या मिलता है, टॉप व्यू, उस पर टॉप व्यू लगाएंगे। तो जिस पे ट्रेसेस लेना है उस पे उसको परपेंडिकुलर रखेंगे और देख लेंगे उस पे कौन सा व्यू मिलता है, वही व्यू लगाएंगे। अब देखिए एचपी पे हमको लाइन का ट्रेसेस चाहिए, तो एचपी पे लाइन में क्या रखेंगे, परपेंडिकुलर, और एचपी पे कौन व्यू मिलता है, टॉप व्यू, तो टॉप व्यू लगाएंगे, क्या दिखेगा, पॉइंट दिखेगा। अच्छा यही लाइन का ट्रेसेस लेना है वीपी पे, तो देखिए वीपी के क्या रखेंगे, परपेंडिकुलर, और वीपी पे क्या मिलता है, फ्रंट व्यू, तो फ्रंट व्यू अप्लाई करेंगे, क्या दिखेगा, पॉइंट दिखेगा, कोई दिक्कत। अब देखिए प्लेन के केस, मान लीजिए ये प्लेन, अब हम लोग इस प्लेन का एचपी पे ट्रेसेस निकालेंगे, तो एचपी पे परपेंडिकुलर लेंगे इसको और कौन व्यू लगाएंगे, टॉप व्यू, क्यों, क्योंकि एचपी पे क्या मिलता है, टॉप व्यू, तो टॉप व्यू लगाएंगे, क्या दिखेगा, लाइन दिखेगा। तो उसी प्रकार वीपी पे प्लेन का ट्रेसेस लेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, वीपी के परपेंडिकुलर रखेंगे, अब वीपी पे क्या मिलता है, फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू अप्लाई करेंगे, तो ऑलवेज एक लाइन दिखेगा, प्लेन का लाइन दिखता है, लाइन का फ्रंट दिखता है, इससे दोनों क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। देख लीजिए क्या रहा है, 28 नंबर ट्रेसेस ऑफ प्लेन विल बी, तो प्लेन का ट्रेसेस क्या दिखता है, लाइन दिखता है, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन लगे कह रहा है कि ट्रेसेस ऑफ लाइन विल बी, पॉइंट होता है, ये दोनों ध्यान रखिएगा, हम जो अभी बोले ट्रेसेस का सेंस क्या रखना है उसको फिर से वीडियो को बैक करके थोड़ा सा देख लीजिए एक बार, ठीक है, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 30 नंबर, चलिए 30 नंबर कह रहा है था एंगल बिटवीन थ्री आइसोमेट्रिक एक्सिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, एक सेपरेट भी है, ठीक है, कि आइसोमेट्रिक एक्सिस, जब हम लोग आइसोमेट्रिक का क्वेश्चन करते थे तो आप देखे थे, चलिए जब हम आइसोमेट्रिक का क्वेश्चन किए थे, जरा से एक मिनट, चलिए जब हम लोग आइसोमेट्रिक का क्वेश्चन किए थे, यहाँ पे देखिए ये इंक्लिनेशन कितना रखते थे, 30, ये 30, ठीक है, और ये देखिए तीन आइसोमेट्रिक एक्सिस होता था, ये हाइट के लिए, ये लेंथ के लिए, या ये ब्रेथ के लिए, या यहाँ भी लेंथ ले सकते थे, यहाँ ब्रेथ, तो ये तीन आइसोमेट्रिक एक्सिस के बीच का एंगल, ये एंगल पूछता है, तो देखिए एक स्ट्रेट लाइन कितना बनाता है, 180 डिग्री, 100 कितना बनाता है, 80 डिग्री। अब देखिए यहाँ से हमको क्या चाहिए, थ्री आइसोमेट्रिक एक्सिस का एंगल, तो 30 + 30 60 डिग्री, इसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 180 डिग्री -60 डिग्री, कितना आ जाएगा 100 डिग्री, ये वाला एंगल ध्यान रखिए, इस दो एंगल को इसमें पूरे में घटा देंगे ये वाला निकल जाएगा, तो ध्यान रखना है कि थ्री आइसोमेट्रिक एक्सिस के बीच जो एंगल बनता है कितना बनता है, 120 डिग्री बनता है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्कुल इसका सी नंबर, कोई दिक्कत आपको 30 में, चलिए 31 नंबर देखते हैं। जब भी बेस के पैरेलल काटेगा तो ध्यान रखिएगा कटा हुआ शेप जो आपको दिखेगा ऑलवेज क्या दिखेगा, सर्कल दिखेगा, आप लोग खुद से सोच सकते हैं ऐसे क्वेश्चन में, ऑलवेज क्या दिखेगा, सर्कल दिखता है, क्या दिखता है, जब भी याद रखिएगा कोण में बेस के पैरेलल कोण को काटा जाए तो क्या दिखेगा, सर्कल दिखेगा, तो
कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलो ये कॉनिक सेक्शन का तीन चार को यहाँ पे ऑब्जेक्टिव होगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होने वाला है। चलिए ध्यान रखना कि जब भी कोण को बेस के पैरेलल काटेंगे क्या दिखेगा, कॉनिक सेक्शन क्या होगा, सर्कल होगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग 32 नंबर। चलिए 32 नंबर कह रहा है आपको कि इफ ए कोण इज कट बाय ए सेक्शन प्लेन इनक्लाइन टू इट्स एक्सिस, कह रहा है कि यही कोण है इसमें एक्सिस के इंक्लाइन इसको करना है, तो एक्सिस का रोटेशन क्या होता है, इंक्लाइन से इंक्लाइन। अब कह रहा है कि एक्सिस से इंक्लाइन, ये देखिए एक्सिस से इंक्लाइन काटा जा रहा है, तो कॉनिक सेक्शन का शेप क्या होगा, तो याद रखिएगा यहां पे इलिप्टिकल शेप दिखता है, इलिप्स के तरह बनता है, याद रखना ये क्या बनता है, इलिप्स। एक्सिस के इंक्लाइन, जब भी कोण में एक्सिस के इंक्लाइन काटा जाएगा तो क्या दिखेगा, इलिप्स दिखेगा, बेस के पैरेलल काटा जाएगा क्या दिखेगा, सर्कल दिखेगा। तो चलिए इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर, इलिप्स, कोई दिक्कत। चलिए 33 नंबर पर, तो यहाँ पे कौन सा शेप बनता है, ध्यान रखिएगा इस प्रकार का शेप मिलता है पैराबोला, क्या बनता है पैराबोला। फिर से बोल देते हैं कि जब बेस के पैरेलल काटा जाएगा सर्कल, एक्सिस से इंक्लाइन काटा जाएगा इलिप्स, जेनरेटर के पैरेलल काटा जाएगा पैराबोला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पहले इसका ऑप्शन देख लेते हैं, पैरेलल टू इट्स जनरेटर, तो देख लीजिए कहां पे पैराबोला, सी नंबर में, पर दिक्कत। चलिए 33 तक हो गई, चलिए 34 नंबर देखते हैं। चौतीस कह रहा है कि ये पे कोण इज कट बाय सेक्शन प्लेन पैरेलल टू इट्स एक्सिस, अब देखिए कह रहा है कि कोण को एक्सिस के पैरेलल काटा जाए, ये कोण हो गया, ये एक्सिस हो गया, तो एक्सिस के पैरेलल कटिंग प्लेन लाइन जब भी एक्सिस के पैरेलल हो तो ध्यान रखिएगा क्या बनता है, हाइपरबोला बनता है, इस प्रकार और बड़ा कर्व दिखता है, ठीक है, क्या बनता है, हाइपरबोला बनता है, क्या बनता है, हाइपरबोला बनता है। तो ध्यान रखिएगा जब भी कोण में एक्सिस के पैरेलल कोण को काटा जाएगा क्या बनेगा, तो डी नंबर इसके बाद। फिर से एक बार चारों को एक साथ रिकॉल कर देते हैं, कोण को जब बेस के पैरेलल काटा जाएगा सर्कल बनेगा, एक्सिस से इंक्लाइन काटा जाएगा क्या बनेगा, एलिप्स बनेगा, जेनरेटर के पैरेलल काटा जाएगा पैराबोला बनेगा, और एक्सिस के पैरेलल जब काटा जाएगा तो हाइपरबोला बनेगा। चलिए 34 नंबर तक खत्म होता है, चलते हैं 35 नंबर पर। चलिए कह रहा था नंबर ऑफ जेनरेटर्स इन कोण, कह रहा कि कोण में कितना जेनरेटर होता है, तो काउंट कर पाइएगा, ये इनफाइनाइट जेनरेटर हो जाए, ये जेनरेटर कितना होगा, अब देखिए कोण में कितना जेनरेटर है काउंट कर पाइएगा नहीं, तो देखिए कोण के पास वो भी कम, कोण के पास कभी कभी यहाँ स्लॉट एज भी रहता है, कन्फ्यूज नहीं कर, स्लॉट एज के या जेनरेटर के, इनफाइनाइट जेनरेटर या स्लॉट एज होते हैं, तो ध्यान रखिएगा कितना होता है जनरेटर, कितना होता है इनफाइनाइट, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आ जाएगा इसका। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगला 36 नंबर। देखिए 36 नंबर कह रहा है कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड द टॉप व्यू इज डॉट द फ्रंट व्यू, अब देखिए बाबू थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड, तो देखिए थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में क्या होता है, देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, ये एचपी होगा, ये
ये वीटी होगा सारा बेसिक लेक्चर में कराया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट सब ये सब ऑब्जेक्टिव है, हर एक सेट में मिलेगा आपको। चलो कह रहा है कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में टॉप व्यू जो होता है फ्रंट व्यू के काम में होता है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि एचपी को ऑलवेज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं 90 डिग्री चौक, क्योंकि ये देखिए सेपरेट प्लेन है, एचपी अलग वीटी अलग, लेकिन हम लोग जो ड्रॉइंग करते हैं पार्टिकुलर प्लेन हम पेपर पे करते हैं। तो हम लोग का रूल जो दिया गया है ये इसके अकॉर्डिंग कि एचपी क्लॉकवाइज में रोटेट करता है 90 डिग्री। तो चलिए तो यहाँ पे एचपी को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री रोटेट कराएंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, एचपी कहाँ चला जाएगा, रेफरेंस के ऊपर, रेफरेंस के ऊपर एचपी, अभी भी कहाँ आ जाएगा रेफरेंस के नीचे। हम लोग पढ़े थे एचपी पे ऑलवेज क्या मिलता है टॉप व्यू, अभी भी पे ऑलवेज क्या मिलता है फ्रंट व्यू। देखिए फ्रंट व्यू के कहाँ गया टॉप व्यू, जस्ट ऊपर गया, तो क्या हो जाएगा एवा बगा के बिलो होगा। टॉप व्यू इज नॉट द फ्रंट व्यू, तो टॉप व्यू एवा द फ्रंट व्यू, तो कहाँ है देख लीजिए कहाँ मिल रहा है एवा, कहाँ मिल रहा है एवा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका ए नंबर। तो दिक्कत चलिए 37 नंबर देखते हैं। सर्किस कह रहा है कि इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में था टॉप व्यू इज डॉट द एलिवेशन, अब के एलिवेशन मतलब फ्रंट व्यू, कंफ्यूज नहीं करना है। तो यहां पे सिर्फ कह रहा है फर्स्ट, तो थर्ड का उल्टा फर्स्ट होता है, कर देख लेते हैं फिर भी कोई बात नहीं। ये एचपी हो गया, ये वीपी हो गया। चलिए जब ये 90 डिग्री घूमेगा तो एचपी कहां आ जाएगा, देखिए नीचे, अब वीपी इस बार कहां आ जाएगा ऊपर, तो एच पी में क्या मिलता है टी बी, अभी पी में क्या मिलता है, तो इस बार देखिए क्या हो जाएगा टॉप व्यू इज डॉट द एलिवेशन, तो टॉप व्यू इज बिलो द एलिवेशन, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग चलते हैं 38 नंबर। चलिए 38 नंबर कह रहा है इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड एचपी लाइन डॉट द रेफरेंस लाइन एंड बीपी लाइन डॉट, वही चीज है यहाँ पे सर रेफरेंस से कह रहा है। तो फर्स्ट में देखिए ये एचपी ये वीपी, वहां पे फ्रंट व्यू टॉप व्यू पूछ रहा था, यहाँ पे एचपी वीपी पूछ रहा है, अगर कोई बात नहीं ये 90 डिग्री रोटेट करेगा, ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड की बात कर रहा है फर्स्ट एंगल में। तो ये देखिए रेफरेंस के कहाँ आ जाएगा एचपी नीचे, या वीपी कहाँ आ जाएगा ऊपर, ये अब देख लीजिए क्या कह रहा है एचपी लाइन डॉट द रेफरेंस, एचपी लाइन बिलो द रेफरेंस एंड वीपी लाइन अबव द रेफरेंस, तो बिलो अबव हो जाएगा कोई दिक्कत, ये नंबर बिलो और एबव, तो एचपी कहाँ देखिए बिलो है, वीपी कहाँ एबव है। ये सब ज्यादा क्लियर नहीं हो तो बेसिक लेक्चर को देखिएगा, बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा एक दो दिन के अंदर, तो और क्लियर हो जाएगा ठीक है। एंगल प्रोजेक्शन मेथड वहाँ पे सर्च कीजिएगा तो आपको ये सारा एंगल प्रोजेक्शन मेथड वहाँ पे ब्रीफ में हम करा देंगे, अगर ज्यादा यहाँ पे समझ में नहीं आए तो वहाँ पे देख लीजिएगा ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 39 नंबर क्या क्या, तो इस बार थर्ड में क्या क्या है, तो उसका उल्टा हो जाएगा, ये देखिए क्या हो गया एचपी हो गया ये वीपी हो गया, जब ये रोटेट करेगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो एचपी कहाँ हो जाएगा ऊपर, अब वीपी कहाँ आ जाएगा नीचे, ये रेफरेंस लाइन, तो देखिए क्या हो गया एचपी कहाँ जा रहा है ये भाग, ये कहाँ हो गया, इसके पहले वाला क्वेश्चन को फिर देख लीजिए, कहीं उल्टा तो नहीं बोल दिए इसको, 38 को फिर देख लेते थोड़ा सा। इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड एचपी लाइन डॉट द रेफरेंस, तो बिलो एबव होगा उसका आंसर, हां ठीक किया कराए थे तो कंफ्यूजन हो गया था। चलिए 39 नंबर चलते हैं ठीक जाने। चलिए तो यहां पे क्या हो जाएगा देखिए रेफरेंस के बिलो वीपी ठीक है और एचपी का एबव, तो पहले एचपी का है तो एचपी क्या हो जाएगा एबव हो जाएगा, एबव बिलो वाला देख लीजिए कौन सा बी नंबर है, कोई दिक्कत। चलिए 40 नंबर चलते हैं। चलिए 40 नंबर क्या रहा है, कह रहा है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन द, देखिए फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है, चलिए ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर देखने वाला ठीक है, ये क्या है ऑब्जेक्ट है जिस पर हम लोग शैडो करते हैं उसको प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं,
ना, चाहे इधर प्रैक्टिकल में देखिए, ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट के लिए प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है, ये एचपी ये वीपी। तो यहाँ पे देखिए टॉप व्यू के लिए एचपी प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन का काम कर रहा है, फ्रंट व्यू के लिए वीपी प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन का काम कर रहा है। चलिए अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट जो लाइट करता है किसके किसके बीच में, तो देख लीजिए कौन है, ऑब्जर्वर और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के बीच में कौन है, ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा इसमें, ऑब्जर्वर एंड प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, देख लीजिए कौन सा, ए नंबर, ऑब्जर्वर एंड प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, कोई दिक्कत। चलिए अब थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में देखिए, तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड उल्टा होता है फर्स्ट का, यहाँ पे क्या होता है प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है बीच में आ जाता है ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट, देख लेते हैं फिर से, यही कह रहा है 41 नंबर, कारण इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन लाइक है, तो देखिए थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड ऑब्जेक्ट यहाँ रहेगा, चलिए देखने वाला यहाँ आया ऑब्जर्वर, इसमें फ्रंट व्यू के लिए यहाँ आया ऑब्जर्वर, ठीक है, ये देखिए क्या प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन वीपी, ये प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन ये भी, तो कोई एक को लेकर हम लोग देख लेते हैं, तो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन किसके किसके बीच में लाइज करता है, ये क्या ऑब्जेक्ट, तो किसके किसके बीच में, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देख लीजिए ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट, चलिए बी नंबर में देखिए ऑब्जर्वर है, कोई दिक्कत। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 42 नंबर, करा इन सेकंड एंगल प्रोजेक्शन मेथड एचपी एंड वीपी लाइन, देखिए सेकंड एंगल प्रोजेक्शन मेथड तो ये रहा, ठीक है सेकंड एंगल प्रोजेक्शन मेथड ऑब्जेक्ट कौन रहेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये रहा एचपी ये रहा वीपी, तो देखिए एचपी जब क्लॉकवाइज एक्सिस में 90 डिग्री घूमेगा तो रेफरेंस के दोनों कहां आ जाएगा ऊपर, एचपी और वीपी दोनों कहां आ जाएगा ऊपर आ जाएगा, और एचपी और वीपी दोनों ऊपर वाला मतलब टॉप व्यू और फ्रंट व्यू दोनों कहां आ जाएगा रेफरेंस के ऊपर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा सेकेंड और फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन मेथड को कोई नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्रोजेक्शन ओवरलैप कर जाते हैं, देखिए जब एचपी क्लॉकवाइज एक्सिस में 90 डिग्री घूमेगा तो एचपी और वीपी दोनों एक साथ आ जाएगा, तो दोनों एक साथ आ जाए क्या होगा प्रोजेक्शन ओवरलैप करेगा, इसीलिए इसको कोई स्टडी नहीं करता। तो ध्यान रखिएगा एचपी और वीपी दोनों क्या करता है रेफरेंस के ऊपर होता है, तो ये देखिए रेफरेंस के कहा एवं, तो बोथ एवं द रेफरेंस, बोथ बिलो द रेफरेंस, बोथ एवं द रेफरेंस, ये वाला ऑप्शन दोनों नीचे आ जाएगा, देख लीजिएगा कैसे ये फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन मतलब एचपी ये वीपी, तो ये देखिए जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री घूमेगा तो ये कहां आ जाएगा नीचे, तो रेफरेंस के नीचे एचपी और वीपी होता है दोनों, एचपी और वीपी दोनों का होगा बिलो द रेफरेंस, और एचपी और वीपी हुआ तो यहाँ पे क्या होगा टॉप व्यू या फ्रंट व्यू, दोनों ध्यान रखिएगा एचपी और वीपी दोनों का बिलो द रेफरेंस, पर दिक्कत तो ये क्या हो गया बिलो बिलो द रेफरेंस, तो देख लीजिए बोथ बिलो द रेफरेंस इसका ए नंबर हो जाएगा, कोई दिक्कत। आगे चलते हैं हम लोग 44 नंबर, चलिए 44 कह रहा है फ्रंट व्यू इज ऑल्सो नोन एज, तो फ्रंट व्यू को क्या कहते हैं हम लोग, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, फ्रंट व्यू इज ऑल्सो नोन एज एलिवेशन, लिखाए भी थे इट इज ऑल्सो नोन एज एलिवेशन, जिसमें हम लोग प्रोजेक्शन पढ़ रहे थे बेसिक लेक्चर में प्रोजेक्शन के बारे में जान रहे थे, वहां भी लिखाए थे, ध्यान रखिएगा फ्रंट व्यू को एलिवेशन कहा जाता है, टॉप व्यू को प्लान कहा जाता है, और साइड व्यू को एंड व्यू कहा जाता है, ये तीनों बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, और ये तीनों ऑब्जेक्टिव इसीलिए एक साथ दे दिए यहाँ पे, फ्रंट व्यू ऑल्सो नोन एज क्या हो जाएगा एलिवेशन, चलिए दूसरा कह रहा है टॉप व्यू इज ऑल्सो नोन एज, तो क्या हो जाएगा प्लान, तो दिक्कत। चलिए 46 नंबर देखते हैं, 46 में हो जाएगा साइड व्यू इज ऑल्सो नोन एज क्या हो जाएगा एंड व्यू, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है साइड व्यू इज ऑल्सो नोन एज एंड व्यू, एंड व्यू का बी नंबर, तो दिक्कत। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला 47 नंबर,
ये 47 नंबर का आ रहा है साइड व्यू ऑफ एक डॉट प्लेन, तो ध्यान रखिएगा साइड में हमेशा क्या मिलता है प्रोफाइल प्लेन में। अब प्रोफाइल प्लेन क्या होता है कि जो एचपी और वीपी, ये रहा एचपी और ये वीपी, तो एचपी और वीपी दोनों के साथ जो परपेंडिकुलर होता है, तो हम डिक्लेरेशन ही लिखा है तो प्रोफाइल प्लेन में कि दी प्लेन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ एचपी एंड वीपी। और याद रखिएगा एचपी और वीपी को प्रिंसिपल प्लेन भी कहते हैं, ठीक है। तो बोथ के साथ जो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, प्रोफाइल प्लेन, उसी पे साइड व्यू मिलता है। हम लोग देखे थे कि तीन व्यू के लिए तीन प्लेन की जरूरत होता है, एचपी टॉप व्यू के लिए, वीपी फ्रंट व्यू के लिए। अब देखिए साइड व्यू के लिए अगर कोई प्लेन चाहिए हमको प्रोफाइल प्लेन, ये देखिए एचपी के भी साथ परपेंडिकुलर होगा और वीपी के भी साथ परपेंडिकुलर होगा। तो वहां पे हम लोग को ध्यान रखना है कि साइड व्यू कहाँ मिलता है प्रोफाइल प्लेन में। प्रोफाइल प्लेन क्या होता है कि जो प्लेन एचपी और वीपी दोनों के साथ परपेंडिकुलर होता है उसको प्रोफाइल प्लेन कहते हैं। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे, तो साइड व्यू ऑफ टेन डॉट प्लेन क्या होता है, ठीक है, कोई दिक्कत। अगला देखते हैं 48 नंबर, कह रहा है ऑब्लिक्यू प्लेन इज अ प्लेन व्हिच इज इंक्लाइन टू। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि ऑब्लिक्यू प्लेन जो होता है ये एचपी और वीपी दोनों के साथ इंक्लाइंड होता है, ठीक है, कि एचपी और वीपी के साथ दोनों के साथ हम लोग एक अलग से इंक्लाइंड प्लेन कंसिडर्ड करते हैं, उसी इंक्लाइंड प्लेन को हम लोग क्या कहते हैं ऑब्लिक्यू प्लेन कहते हैं। तो ऑब्लिक्यू प्लेन क्या होता है एचपी और वीपी दोनों के साथ इंक्लाइंड होता है। चलिए देख लीजिए, तो ऑब्लिक्यू प्लेन इज अ प्लेन व्हिच इज इंक्लाइंड टू बोथ एचपी एंड वीपी, इसका सी नंबर हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग 49 नंबर देखते हैं, चलिए 49 नंबर क्या है आपको कि प्रोफाइल प्लेन इज अ प्लेन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू। तो देखिए प्रोफाइल प्लेन, अभी तुरंत बोले थे प्रोफाइल प्लेन का डिफिनेशन ही होता है दी प्लेन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ एचपी एंड वीपी। तो किसके साथ, बोथ के साथ परपेंडिकुलर होता है, तो देख लेते हैं परपेंडिकुलर टू एचपी एंड वीपी कौन सा नंबर है, बोथ एचपी एंड वीपी सी नंबर, कोई दिक्कत। चलिए 50 नंबर देखते हैं, चलिए 50 नंबर देख लेते हैं, कौन सा यहाँ पे चमक रहा होगा इसलिए नीचे करके देख लेते हैं। एवाब के पास थोड़ा सा चमक रहा होगा, ये एवाब है, ठीक है, खैर कोई बात नहीं। इफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एवाब द एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी देन द ऑब्जेक्ट विल बी, तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए ये क्या होगा, इन फ्रंट होगा, समझ लीजिए पहले यहाँ पे ये क्या कह रहा है, इस टाइप का बहुत क्वेश्चन बन सकता है आपका, ये इन फ्रंट हो गया, ये भी क्या होगा इनका, या चलिए हम दो ही लाइन को देखते हैं, वर्टिकल लाइन इन फ्रंट हो गया, इस तरफ क्या हो जाएगा बिहाइंड, ये क्या हो जाएगा के भाग, ये क्या हो जाएगा बिलो, चलिए लिख ही देते हैं ये भाग, ये क्या हो जाएगा बिलो, ये क्या हो जाएगा इन फ्रंट, ये क्या हो जाएगा बिहाइंड, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए कह रहा कि ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो एचपी के एभव है और वीपी के इन फ्रंट है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, किस क्वाड्रेंट में होगा, यहाँ पर चार क्वेश्चन बन सकता है। देखिए जब भी एभव इन फ्रंट होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, और जब भी बिहाइंड एभव होगा सेकंड क्वाड्रेंट, और जब भी बिलो बिहाइंड होगा थर्ड क्वाड्रेंट, और जब भी बिलो इन फ्रंट होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। ये चारों बात को ध्यान रखिएगा, इधर क्या होगा इन फ्रंट, इधर क्या बिहाइंड, इधर क्या एभव, इधर क्या बिलो, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे 50 का जो ये सेट था एक सेट खत्म होता है, तो हम लोग चार सेट में इसको टोटल कवर करेंगे, ठीक है। Thank you for watching.